अपने वेब ब्राउजर में इस URL को डालें selfregistration.covin.gov.in। अब अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और OTP नंबर जनरेट करें। अब आपको अपने फोन पर SMS के जरिए 6 अंकों का OTP नंबर मिलेगा। अब कोविन पोर्टल पर OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन खुल जाएगी। अब अपने मोबाइल पर मिला 6 नंबर वाला OTP डालें, वेरिफिकेशन करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने वेलकम स्क्रीन खुल जाएगी। अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद जरूरत पड़ने पर आप उसी नंबर पर 3 और सदस्यों को रजिस्टर कर सकते हैं। टीके का लाभार्थी बनने के लिए और टीका लगाने की तारीख और समय चुनने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। द रजिस्टर मेंबर बटन क्लिक करें। इससे रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस फोटो ID प्रूफ के प्रकार का चयन करें जिसका इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड या फिर वोटर ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि जब आप टीका लगवाने जाएंगे उस समय आपकी फोटो ID का वेरिफिकेशन किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि आप जिस फोटो ID का विवरण दे रहे हैं वही फोटो ID आपको टीका लगवाने के समय अपने साथ ले जानी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से फोटो ID प्रूफ के प्रकार का चयन करने के बाद नीचे दिए गए फील्ड में अपनी चुनी हुई ID का नंबर डालें। उदाहरण के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपने फोटो पहचान पत्र के तौर पर अपने पैन कार्ड का चयन किया है तो आपको फॉर्म में अपना पैन कार्ड नंबर ही डालना होगा। अब चुने गए फोटो ID प्रूफ से देखकर अपना नाम, लिंग और जन्म का वर्ष डालें। आपने जन्म का जो भी वर्ष डाला है अगर उसके अनुसार आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, तो टीके का लाभार्थी बनने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रजिस्टर करें बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी स्क्रीन पर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। अब आपके सामने अकाउंट डिटेल्स डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको यहाँ दिखेगा कि आपको एक लाभार्थी के तौर पर ऐड कर लिया गया है। अगर आप अपने परिवार के अधिक सदस्यों को ऐड करना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन पर ऐड मेंबर बटन पर क्लिक कर सकते हैं और नए सदस्य के बारे में मांगी गई जानकारी और फोटो ID प्रूफ के साथ उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टीका लगवाने का समय और तारीख लेने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। अब आप अपनी पहली खुराक के लिए अपॉइंटमेंट का समय तय कर सकेंगे। स्केड्यूल बटन पर क्लिक करें और फिर स्क्रीन के नीचे स्केड्यूल नाउ पर क्लिक करें। आप एक से ज्यादा सदस्यों की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उनके नाम के आगे दिए गए स्केड्यूल बटन पर क्लिक करें और फिर स्केड्यूल नाउ पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि एक से ज्यादा सदस्यों की दूसरी खुराक की अपॉइंटमेंट के लिए टीके का चयन और उसकी पहली खुराक का चयन सभी सदस्यों के लिए एक जैसा होना चाहिए। स्केड्यूल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर आप अपना पिन कोड डालकर और सर्च पर क्लिक करके अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र के बारे में पता लगा सकते हैं। इसे आप अपने पिन कोड के आसपास के टीकाकरण केंद्रों की लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप जिले के अनुसार भी टीकाकरण केंद्र के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पहले अपना राज्य चुनें, फिर साथ में दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने जिले का नाम चुनें और सर्च बटन पर क्लिक करें। इससे आपको अपने जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों की लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में टीकाकरण केंद्रों की सभी जानकारी भी दी जाएगी, जैसे टीकाकरण केंद्र का पिन कोड, टीकाकरण केंद्र में न्यूनतम आयु की अनुमति, टीके का नाम और टीका लगवाने की लागत अगर ये कोई प्राइवेट टीकाकरण केंद्र है। हर रोज के हिसाब से
वर्तमान में उपलब्ध टीकाकरण स्लॉट की संख्या। कृपया ध्यान दें कि जिस टीकाकरण केंद्र में आपकी उम्र के लोगों को टीका लगाने की सुविधा नहीं है, उस केंद्र के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे केंद्र को चुनने की कोशिश करेंगे तो पोर्टल पर आपको चुने हुए केंद्र में टीका लगवाने की न्यूनतम आयु बताने वाला संदेश दिखेगा। जब आपको अपनी पसंद के दिन और पसंद के वैक्सीन के साथ अपनी पसंद का ऐसा टीकाकरण केंद्र मिल जाता है जहां टीका लगवाने के स्लॉट उपलब्ध हैं, तो उस चुने गए टीकाकरण केंद्र में उपलब्ध सीटों की बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने टाइम स्लॉट चुनने की स्क्रीन खुल जाएगी। यहां आप टीका लगवाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार अपॉइंटमेंट का समय चुन सकते हैं। टीका लगवाने का टाइम स्लॉट चुन लेने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अब टीका लगवाने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट सफलतापूर्वक बुक हो चुकी है। आप कॉन्फर्मेशन स्क्रीन पर बुकिंग की जानकारी देख सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट की पर्ची डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और इसे अपने कंप्यूटर पर सेव करें। अपने अकाउंट डिटेल के डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। अगर आप टीका लगवाने की अपनी किसी अपॉइंटमेंट में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, तो आप सदस्य के नाम के आगे दिए गए रीस्केड्यूल फिर से अपॉइंटमेंट बुक करें बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट की तारीख और समय बदल सकते हैं। अगर आप टीके की पहली खुराक ले चुके हैं, तो आपके अकाउंट डिटेल डैशबोर्ड पर अपने नाम के आगे आपको ये दिख जाएगा कि आप किस तारीख के बाद से टीके की दूसरी खुराक ले सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स के आगे दिए गए सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करके टीका लगवाने का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टीके की एक ही खुराक ली है, तो आप टीका लगवाने का प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है, तो आप टीका लगवाने का फाइनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।